हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से यूनिक एडो सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे। वैसे तो इस चैनल पे ये वीडियो नहीं पोस्ट करना चाहिए था, पर फिर भी मैं इस वीडियोस को इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने 2-3 पर्सन ऐसे मिले थे मुझे, ठीक है, जिनसे मैंने बात किया था तो टिकटॉक बहुत सपोर्ट कर रहे थे, दिल से सपोर्ट करते थे। मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, तो एक बंदे ने कहा कि मैं टिकटॉक पे क्रिएटर हूँ, मैं टिकटॉक पे वीडियोस क्रिएट करते रहूंगा, जब तक डिलीट नहीं हो जाती है तब तक मैं यूज करूंगा, क्रिएट भी करूंगा, जिसको जो करना रहे करने। मैंने बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे से तो बात बात नहीं करने वाला हूँ। सेकंड पर्सन बोला कि भाई कितनी मेहनत से एक ऐसी ऐप मिली जहां पे मैं फिट हो पाता हूँ, जहां पे मेरे जैसे लोग हैं, एक हमारी मतलब मैं उस कम्युनिटी में अपने आप को फिट कर पा रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई तू मेरे से बात बात मत करियो, तू मेरे पास मत आइयो, मैं तुम्हारे कम्युनिटी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आता हूँ। तीसरे पर्सन ने हमें एक वीडियो ही सेंड कर डाली। बेसिकली ये वीडियो वो उसी वीडियो का रिप्लाई है जो उसने हमें सेंड किया था, क्योंकि टपाटप में उस टाइम उसे रिप्लाई नहीं दे सकता था लिख लिख करके, क्योंकि लिखने में थोड़ा मतलब काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि हम बोल सकते हैं और बोल करके और एक वीडियो के थ्रू काफी अच्छा से रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस वीडियो को प्ले करते हैं। चलिए, YouTube वर्सेस TikTok में जब मैंने TikTok का समर्थन किया तो लोगों ने कहा आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। खैर, 5 बातें बिना गाली गलौज के जिसे परिवार के साथ सुन और समझ सकते हो। अगर तकलीफ तुम्हें चाइना से है तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन सभी फोन कूड़े में फेंक दो, क्योंकि ये सभी चाइना में बनते हैं या असेंबल होते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर कोई भी इंडियन ऐप नहीं है, यहाँ तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी। अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो, ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी, तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बाहर से बनकर आते हैं, ऐसे में या तो यहाँ निर्माण होना शुरू हो या तुम खामोश रहो, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। अगर वजह कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है, अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। तो आप वीडियो को देख लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक पे मैं दस वर्कर जी को एक क्रिएटर मानता था, एक बहुत ही अच्छा क्रिएटर मानता था। अगर कोई भी टिकटॉक या मेरे पास आता था और बोलता था कि अश्विनी सर मैं ये यूं ऐसे आज लिपसिंग किया हूं, ये कि हम, खैर मैं तो उन लोगों से उतना बात नहीं करता हूं, ठीक है, बट कोई कोई आकर के बोल देते हैं तो बोलता हूं कि ठीक है ठीक है। तो मैं इनकी एग्जाम्पल देता था कि आप टिकटॉक पे इस टाइप के क्रिएटर बनो, क्योंकि ये लोग अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, ठीक है। और एक और थे सर, एक जो मोटिवेट करते हैं, मैं उनकी भी एग्जांपल देता था, क्योंकि कुछ कुछ क्रिएटर टिकटॉक पे वाकई बहुत अच्छे हैं, पर लोग विरोध करने के चक्कर में आकर के ऐसी ऐसी फैक्ट्स दे जाते हैं ना, जिसका ना कोई सर ना कोई पैर होता है। चलिए मैं एक एक फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन करता हूं। फैक्ट नंबर 1 कि सारे फोन ओप्पो, वीवो, वन प्लस और एप्पल की भी बात इन्होंने कर दी, पर एप्पल तो चाइनीज फोन नहीं है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस ये सारे फोन चाइनीज हैं, रेडमी चाइनीज है, पर एप्पल चाइनीज फोन नहीं है, ठीक है। एप्पल की कुछ पार्ट, यानी कि एक पार्ट में कहूं तो चाइना में असेंबल होती है, ठीक है, पर बात यहां पे ये है कि अगर चाइनीज फोन हम यूज करते हैं और एप्पल की फोन यूज करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली चाइनीज फोन हम यूज करते हैं तो चाइनीज फोन चाइना के गवर्नमेंट के इशारों पर चले, कि आपको पता है कि चाइना के गवर्नमेंट के अलावा कोई भी चाइनीज कंपनी है तो चाइना के गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं चल सकती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। पर अगर आईफोन आप यूज करोगे, एप्पल की फोन अगर आप यूज करते हो, तो उसको चाइना से क्या लेना देना है, कल चाइना उसको विरोध करेगा तो जा करके तुरंत अपना वहां से जोड़ा जटिया समझेगा, समेटेगा और आकर के किसी और कंपनी में लगाएगा, अपना असेंबल ही तो करवाना है या फिर एक प्रोडक्ट ही तो मैंने मैन्युफैक्चर करवाना, बाकी सारी चीज तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और ही हो रही है ना, चाइना से बाहर ही हो रही है ना, और बेसिकली उसकी कंट्रोल भी तो चाइना से बाहर ही हो रही है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, चलिए इन सारे फोनों के अलावा भी तो बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है, लावा, माइक्रोमैक्स, और भी बहुत सारे कंपनीज है, इसमें के अंदर इंडियन भी कंपनी है जो कि फोन हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि चाइना की नहीं है। एटलीस्ट मैं चाइना के फोन को समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं चाइना को समर्थन नहीं कर रहा हूं, बाकी मुझे किसी कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाइना से प्रॉब्लम है। पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो कि चाइना से इतनी प्रॉब्लम क्यों, इसका जवाब यह है कि वर्ष 2005 तक चाइना और इंडिया का जो बिजनेस था, इंडिया सरप्लस में था, पर 2005 के बाद
2005 के बाद भारत घाटे में आया और तब से लेकर के आज तक भारत घाटे में ही है। इसके बहुत सारे वजह है, मैं एक वजह का भी जिक्र कर रहा हूं। पहले मैं बता दूं कि घाटा लगा भी तो कितना लगा है, तो पिछले साल 2019 में $55 अरब की घाटा लगी है, 2018 में $58 अरब की घाटा लगी थी, और उसके पहले ना जाने कितने घाटे लगे हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया का चाइना के साथ व्यापार में। ठीक है, तो आप इन अभी भी चाइना के सामान को, चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइनीज ऐप को सपोर्ट करके क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे पहला चीज तो आपको मैं बता दूं कि चाइनीज ऐप में आप प्राइवेसी देख लेना कि आपके सारे परमिशन से ले लेते हैं वो लोग, सारे परमिशन, टोटल ऑल ओवर परमिशन वो लोग आपको ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको डाटा भी चुराते हैं, आपको डाटा हैक होने की भी खतरा होती है। दूसरी चीज, आप चाइना को प्रमोट कर रहे हो, चाइना को ऐप को प्रमोट कर रहे हो, तो जरा बताइए कि क्या आप इस आंकड़ा को, जो भारत का लॉस है पहले ही 50 मार चुका है, अब क्या आप सेंचुरी मरवाना चाहते हो? खैर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, ये कोई भी बात मैं जो बोल रहा हूं ये कोई बिना सर पैर वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, ये नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और वहां से जाकर के पूरी रिपोर्ट डिटेल में पढ़ भी सकते हो। हाँ, फैक्ट ये था कि क्यों ये व्यापार में आखिर घाटा हो रहा है। देखिए, भारत चाइना से लगातार प्रोडक्ट खरीद रहा है, पर चाइना भारत से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको खरीदने से बैन कर दिया है। चाइना बंद कर दे खरीदना तो कोई बात नहीं, पर हम ऐप यूज करना बंद कर दे तो हमारे देश के ही लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। ये क्या मतलब है भाई? चाइना, आपको पता होगा कि चाइना पूरे वर्ल्ड से दवा खरीद लेता है, पर भारत से दवा नहीं खरीद सकता है। चाइना बैन लगाए हुए है, भारत से 1 रुपए की भी दवा चाइना में नहीं जाती है। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि दवा में भारत दवा मैन्युफैक्चर नहीं करता और दवा भारत एक्सपोर्ट नहीं करता है। भारत पूरे वर्ल्ड को दवा एक्सपोर्ट कर सकता है बजाय चाइना को, क्योंकि चाइना ने बैन लगा रखी है इन चीजों पर। और ऐसे बहुत सारी चीज है जिन पे चाइना ने बैन लगा रखी है कि चाइना ये सारी चीजें भारत से नहीं खरीदेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं यूट्यूब जैसे चीजों की, तो ऐसे ऐसे भी ऐप वहां पे हैं जो इनके जगह पे यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं ब्राउजर की, तो वो गूगल तक यूज नहीं करते, ऐसे उनके पास खुद की ब्राउजर तक है जो कि अपनी ब्राउजर यूज करते हैं। अरे चलिए मैं टिकटॉक की ही बात कर लेता हूं, टिकटॉक चाइना से ज्यादा यूजर भारत में है टिकटॉक के, मतलब कि चाइना से ज्यादा ऐप इंस्टॉल्ड भारत में हुए हैं। चाइना में मैंने देखा था लगभग 173 मिलियन या 74 मिलियन के आसपास ऐप डाउनलोड हुए थे, जबकि इंडिया में 450 मिलियन प्लस ऐप डाउनलोड हुए थे भारत में। सोचिए इतना ज्यादा अंतर। खैर, टिकटॉक के बारे में और कुछ बात करूंगा मैं, और कुछ फैक्ट रखूंगा, पहले इनकी सेकंड फैक्ट की तरफ बढ़ता हूं। सेकंड फैक्ट, FB, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये ईयरफोन वाला यूट्यूब, अरे ये चाइनीज ऐप नहीं है, इंडियन नहीं है तो ये ऐप चाइनीज भी नहीं है। इस बात को आप बताइए अपने ऑडियंस को, आप ये बता रहे हैं कि ये इंडियन ऐप नहीं है, पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये चाइनीज ऐप भी नहीं है। हमें लॉस चाइना से है, जहां से लॉस है हमें वहां व्यापार नहीं करना, जहां से लॉस नहीं है वहां तो हम कर ही सकते हैं ना अपने बिजनेस। और चाइनीज ऐप में आपको पता है बहुत सारी चीजें परमिशन वगैरह की रिस्क होती है, ठीक है, और वहां की कोई खबर यहां तक पहुंच भी नहीं पाती। आप चाइनीज ऐप कितना भी यूज कर लो, वहां की कोई भी खबर बिना गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू आप तक पहुंच भी नहीं सकती है, पर आप अपनी सारी खबर वहां तक जरूर पहुंचा देते हो उन सब ऐप की यूज करके। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूं कि प्रॉब्लम हमें चाइना से, बाकी सारे चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जहां से प्रॉब्लम है वहां की ऐप मैं यूज नहीं करूंगा, सीधी बात। चलिए आपके थर्ड फैक्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं। थर्ड फैक्ट, चाय। आपने ये तो बता दिया कि आज से 5000 साल पहले चाय चाइना में इमर्ज हुई थी, पर शायद आप 400 साल पहले की बात भूल रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और सिर्फ एक जगह से अपनी बिजनेस स्टार्ट की थी, वो जगह था सूरत। 1608 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय सूरत से बिजनेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में। सूरत से बिजनेस स्टार्ट होकर के धीरे 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 ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस उसका फैला और एक समय ऐसा आया कि हमारे इंडिया पे, मतलब हमारा इंडिया उन लोगों के गुलाम हो गया, हम गुलाम बन चुके थे। और कितनी मशक्कत के बाद हमें ये आजादी मिली है और आप फिर से वही चाहते हैं कि हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट यूज करके दूसरे देशों के बिजनेस अपने देश में इंक्रीज करके और फिर से हम वही कंडीशन में आ जाए। अरे
कैसे कैसे तो हमारा देश धीरे 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 सुधर रहा है, और चाइना ऐसे ऐप को लॉन्च करेगा ताकि हमारे युवा जो देश के भविष्य होते हैं वो ऐसे ऐप में उलझ जाए और हमारे देश अपने भविष्य के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को भी डुबो दें। पर आप जैसे लोग तो चाइना को विरोध करेंगे ना, चाइना को सपोर्ट ही करेंगे ना, सॉरी, आप जैसे लोग चाइना को सपोर्ट करेंगे और आप जैसे लोग की शायद चाहत भी यही होती है, मुझे नहीं पता। खैर चलिए चाय की बात करते हैं। आप चाय के बारे में, आपने चाय के बारे में बोला कि चाय हमें पीना छोड़ देना चाहिए। क्यों हमें चाय पीना छोड़ देना चाहिए? क्या हम चाय के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हुआ क्या? आपने, आपको शायद ये बात नहीं पता होगा कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे स्थान आता भारत का चाय के प्रोडक्शन में, यानी कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, जहां पे चाय पीने के लिए, चाय के लिए किसी दूसरे कंट्री से चाय पत्ती हमारे देश में नहीं आती है, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं चाय पत्ती यहाँ पे अपने देश में। और यही नहीं, अगर सरप्लस होता है, ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तो इससे तो हमें बेनिफिट है। तो आप बोल रहे हैं कि बेनिफिट वाले चीज यूज करना छोड़ दो और जहां से कोई बेनिफिट नहीं आ रही वो चीज यूज करना सीख लो, टिकटॉक पे आ जाओ और चाय पीना छोड़ दो। वाह, ये आपकी नीति मुझे समझ में नहीं आई कि आप ये कहना क्या चाहते हैं आप अपनी बातों से। खैर चलिए, आपको आपकी आगे वाली फैक्ट की बात करता हूं। आपके आगे की कुछ फैक्ट्स ये थी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना से आती हैं। इस बात से मैं एग्री हूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना से हैं, पर आप किस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहे हैं? वो दिवाली में लगने वाली झालर की, या फिर आप इस इलेक्ट्रॉनिक, या फिर पंखे और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं? क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इंडिया की ब्रांडेड अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं है? क्या इंडिया से बेहतर प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं? तो आप जैसे लोग उन जो मतलब चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे और कहेंगे कि आपके घर में पूरी चाइना के सामान बड़ी पड़ी है। अरे सर, अगर हम इंडियंस यूनाइट हो जाए ना, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और जो मोबाइल के ब्रांड्स है ना, हम इंडियन यूनाइट होकर के आज से भी अगर चाइनीज सामान खरीदना छोड़ देना, तो एक साल के अंदर एक भी चाइना कंपनी इंडिया में नहीं रह जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं, लिख के दे दूंगा इस चीज को। एक साल अगर हम यूज करना छोड़ देना चाइनीज प्रोडक्ट, अगर भारत का एक भी आदमी एक भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज ना कर दे, तो एक साल के अंदर ये सारी कंपनियां, टोटल कंपनियां भारत से चली जाएगी, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके खत्म, खानी खत्म, समझे? तो चाइना को सपोर्ट करना छोड़िए, आइए हमारे साथ एकजुट होइए, और एकजुट होकर के हम एक अच्छा भारत बनाते हैं, हम एक ऐसा भारत बनाते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है। आप बात करते हैं चाइना इमर्ज हुआ, चाय इमर्ज हुआ चाइना में, अरे कल चाइना मार्स पे चला जाएगा तो हम मार्स पे जाना छोड़ देंगे क्या? या फिर हम उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी बना के मार्स में जाकर के चाइना से बेहतर प्रूफ करके दिखाएंगे? हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है कि अगर कोई कंट्री किसी चीज को बना लेता है, अगर कोई कंट्री किसी चीज को प्रोड्यूस करता है, तो उसे तुम यूज ही नहीं करो। हमारी संस्कृति यह कहती है कि तुम उसे प्रोड्यूस करो और उससे बेहतर बन करके दिखाओ। तो इन सब चीजों की अगर, हाँ ये भी बात कि अगर आप कहते हैं कि एक इंसान के अपोज करने से क्या होगा, अरे 160 प्लस देशों में रन करने वाला टिकटॉक ऐप, 800 मिलियन प्लस यूजर होने वाला टिकटॉक ऐप, कुछ इंडियंस के यूनाइट होने से अगर दो दिन के अंदर 4.5 स्टार से 2 स्टार पर आ सकता है, तो सोचो कि अगर सारे इंडियंस यूनाइट हो जाएं तो क्या होगा। एक दिन भी नहीं रहेगा ये ऐप इंडिया में, एक दिन के अंदर ये ऐप बैन हो जाएगा इंडिया में, अगर सारे इंडियंस यूनाइट हो जाएं तो। खैर और भी बहुत सारी चीजें जो टिकटॉक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। रिसेंटली अभी आपने सिदकी ब्रदर्स की एक वीडियो भी देखी होगी जहां पे एसिड अटैक को प्रमोट किया जा रहा है ऐसे ऐसे ऐप पे, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे। आप खुद सोचिए सर कि एक तरफ जहां पूरा इंडिया इस चीजों में लगा हुआ है कि वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे दिया जाए, लड़कियों को मजबूत कैसे किया जाए हमें अपने देश में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे गंदी और हरकतों को प्रमोट किया जा रहा है दूसरे ऐप पे, जहां पे लड़कियों को और कमजोर बनाया जा रहा है, लड़कियों को कमजोर दिखाया जा रहा है। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? ऐसे ऐसे ऐप को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए हमारे देश में। और ऐसे ऐप की जब हम लोग विरोध करते हैं तो आप जैसे लोग हमारे विरोध में ही खड़े हो जाते हैं। खैर अभी मैं बात करूंगा, एक रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार 41% यूजर
टिकटॉक पे 41% यूजर जो है 16 से लेकर के 24 साल के बीच के हैं। अब आप खुद सोचिए, 16 साल में तो बच्चे 10th पास करते हैं, और वही उम्र होती है बच्चों को अपनी कैरियर बनाने की जिस उम्र में बच्चे अपनी मम्मी की लिपस्टिक किट चुरा रहे होते हैं। जिस उम्र में बच्चे को पेन चुराना हो चाहिए होता है, उस उम्र में बच्चे मम्मी की लिपस्टिक किट चुरा रहे होते हैं और टिकटॉक जैसी ऐपों पर लिपसिंग करते हैं। और कंटेंट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, खैर वहां तो कितनी बेहतरीन कंटेंट होती है, सैल्यूट करता हूं ऐसे ऐप को मैं। खैर अब ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, एक रिक्वेस्ट आपसे है। कैरी की रिसेंटली एक वीडियो आई है जहां पे कैरी ने लाइव आया था, लाइव आकर के हमें बताया था कि हमारी वीडियोस क्यों डिलीट हुई है, इसका रीजन उसे भी नहीं पता। मैं कहूंगा कि अगर तकलीफ सिर्फ इस बात से थी कि एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो 12 मिलियन लाइक कैसे क्रॉस कर सकती है, इंडियन यूट्यूबर की वीडियो वर्ल्ड की मोस्ट लाइक वीडियो कैसे बन सकती है, अगर इस बात से आपको तकलीफ थी, क्योंकि मोस्ट सब्सक्राइब चैनल भी हमारे इंडियन ही है, ठीक है, तो अगर तकलीफ सिर्फ इस बात से थी कि मोस्ट लाइक्ड वीडियो इंडिया को, इंडिया के वीडियोस नहीं होनी चाहिए, इंडिया के वीडियो को नहीं बनने दूंगा, कुछ लोगों की ऐसी तकलीफ होंगी शायद, ठीक है, इसलिए वो लोग डिलीट करवा दे होंगे ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट मार मार करके। मैं कहूंगा आज तक, आज अभी आपने अगर लाइक नहीं किया उस वीडियोस को तो जाइए, 12 मिलियन क्या हम 20 मिलियन लाइक देंगे उस वीडियो को, ताकि उस वीडियो के बारे में और किसी इंडियंस के बारे में आज के बाद आगे से कोई सोचे भी नहीं कि हम उस इंडियंस को नीचे दिखाएंगे। चलिए एक बार मैं बोलूंगा आप सभी के साथ कि आप यूनाइट हो जाइए, हम सब यूनाइट होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा देश बहुत मजबूती से, और अगर सारे इंडियंस यूनाइट हो गए ना, कसम से बोल रहा हूं कि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अगर कोई कंट्री होगा तो हमारा देश इंडिया होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें पर कैरी के वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।